मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आलोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव शेरपुर में रतलाम के फ्रूट एवं खाद्य विभाग की टीम पहुंची। चेकिंग के दौरान अवैध रूप से संचालित हो रही मावा बनाने के कारखाने में वनस्पति डालडा घी का जखीरा जब्त किया। अलग अलग स्थानों पर कारखाना संचालित करने वाले दो आरोपी मौका स्थल से गायब थे। खाद्य विभाग की टीम के साथ आलोट के तहसीलदार अनिल सिंह कुशवाहा ने संयुक्त कार्यवाही की। रतलाम कारखाने में 30 किलो मावा जब्त किया है। वही सैंपल भी लिए गए जो कारखाना सुनील जैन के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसी प्रकार एक और कारखाना जिस पर संचालन राजेश जायसवाल के द्वारा संचालित किया जा रहा था, वहाँ से 32 डब्बे वनस्पति डालडा घी जब्त किया गया। खास सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 130 के तहत कार्यवाही की जा रही। जिले में आई टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पारस सोलंकी, यशवंत शर्मा आदि मौजूद थे। मंदसौर से राहुल बिलागी की रिपोर्ट। रतलाम जिले से टीम आई फूड इंस्पेक्टर की और यहाँ पे खाद्य के ग्रुप में एक अवैध रूप से संचालित मावे का कारखाना जब्त हुआ है, क्या है मामला? जिले से एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम आई है। ये एक पूरे प्रदेश में चल रहा है इस अभियान के तहत, जो खाद जो मावा या घी बन रहा है सिंथेटिक, उसको रोकने के लिए जांच के लिए टीम आई है। इन्होंने ये कार्रवाई की और प्रशासन को इनको सहयोग के लिए मुझे जनता ने भेजा। इसमें ये है कि पूरे प्रदेश में जो चल रहे सिंथेटिक मावा दूध के संबंध में, उसको ये हमारे संयुक्त दल के साथ में कार्रवाई भी करते। ये मतलब अभी हम सैंपल कलेक्ट किए थे और इसके लिए हम जांच के लिए भोपाल भेजेंगे। और इसमें बगैर लाइसेंस के सब मतलब पाया गया फर्म, तो उसका हम सीज करेंगे धारा 130 के तहत। सर, कुल कितनी मात्रा में यहाँ पे अवैध रूप से जो काम हो रहा था पाया गया? इसमें टोटल मावा मतलब हमने जब्त किया है वो है 30 किलो के लगभग, और इसमें कुछ मलाई भी है, वो भी मतलब पेशेबल मतलब आइटम है, उसको हम विनष्ट करवा। जो यहाँ अवैध रूप से कारखाना संचालित कर रहा है उसका नाम सर? उसका नाम है सुनील जैन। सर, क्या आपको मुखबिर से सूचना मिली थी या कोई शिकायत आई थी यहाँ की? नहीं, मुहिम की एक सूचना मिली थी हमें, यहाँ पे मावा बन रहा था। किस धारा अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई की? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत ये कार्रवाई चल रही है। पार्टी वाल पार्टी केवल एक को बनाया गया आरोपी या फिर और भी सहयोगी है उनके? नहीं, अभी तो एक ही है, मौके पर तो एक ही पार्टी। उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाए? हाँ, उन्हीं के द्वारा संचालित किया। वो आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि और कौन है केस में आरोपी। सर, आपका शुभ नाम? आर सोलंकी, फूड इंस्पेक्टर मतलब खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतलाम। आपके सहयोगी? सहयोगी श्री यशवंत कुमार शर्मा और श्रीमती प्रीति मंडोरिया मैडम, श्रीमती ज्योति बघेल मैडम, और साथ में प्रशासन से भी तहसीलदार साहब भी है हमारे साथ में प्रशासन। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक शिकायत मिली हुई थी कि यहाँ पर नकली मावा बनते हुए पाया गया है, मावे का निर्माण करते हुए पाया गया है। तो यहाँ पे फिर भी वनस्पति मिला हुआ है जिसे ये बनाया हुआ बनता हुआ पाया जा रहा है, और यहाँ पे घी का और मावे का दो नमूने जांच के लिए लिए गए हैं, जांच के लिए लिए जाकर ये भोपाल भेजे गए हैं। कुल कितना माल जब्त किया गया है? 32 तीन कैन ये वनस्पति का जब्त किया है। कोई आरोपी व्यक्ति मैं? अभी तो यहाँ पे पवन जी का नाम है तेरा, तो पवन जी। अन्य एक जगह और यहाँ का गांव में ये जो दबिश दे रही है, उस व्यक्ति का संचालित करने वाले का नाम? उसका नाम है दूसरी, जो वहाँ पे कार्रवाई चल रही है फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके द्वारा। कितने लोगों की टीम आई हुई है जिले से? जिले के कुल 4 लोग आए हुए हैं। 4 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, आर सोलंकी, यशवंत शर्मा, ज्योति बघेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रीति मंडोरिया का।